शुरुआत करूंगा मैं राजौरी से। मेरी बहुत संवेदनाएं हैं उन परिवारों से जिन्होंने अपने खोए हैं, और टेररिज्म को हमारी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। एमएचए का डेटा है कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और विधायक जिस पार्टी के शहीद हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो हमने सबसे पहले तिरंगा थामा था और आज तक थामा हुआ है मजबूती से। जो राजौरी में किलिंग्स हुई हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जब पिछले कुछ समय से राजौरी को आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था, तो अब क्या वजह है जो वहां पर टेररिज्म जो है दोबारा अपने पैर पसार रहा है? और वो कौन अधिकारी हैं जिनकी नलायकी की वजह से हमने वो इतनी महत्वपूर्ण जानें खोई हैं? एक भय और खौफ का माहौल है आज। लोग आज घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। क्या ये है नया जम्मू कश्मीर? क्या ऐसा जम्मू कश्मीर भाजपा बनाना चाहती है जहां हर एक व्यक्ति जो है डर से भय से जिए? कश्मीरी पंडित जो है आज पैकेज एम्प्लॉई भाजपा दफ्तर के बाहर वो हड़ताल में बैठा हुआ है, कश्मीर नहीं जाना चाहता है। वो कहता डर लगता है हमें मार देंगे। वो मरने से नहीं डरता, वो इतनी बात कह रहा है कि कोई ना कोई श्योरिटी तो दो, अगर हम मर गए शहीद हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये चाहता है बस। लेकिन आप वो भी करना नहीं चाहते। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं, 4 महीने सड़कों में बैठे हुए हैं। तो चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? भाजपा चाहती क्या है? 370 एब्रोगेशन के बाद जो यहाँ के हालात बने हुए हैं, नौजवानों से पूछो, किसानों से पूछो, जवानों से पूछो, कितने मुश्किलों से उनकी जिंदगी बीत रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सीनियर नेता थे भाजपा के, प्रधानमंत्री थे, मैं नमन करता हूं। और उनका कहना था कश्मीरियत इंसानियत जमहूरियत। कश्मीरियत तभी समझ सकते हो जब आप इंसानियत और जमहूरियत में विश्वास रखते हो। चुनाव आपने करवाने नहीं है और असंवैधानिक तरीके से आपने जो यहां विधानसभा भंग की थी, आपकी फैक्स मशीन खराब हो गई तो अभी तक खराब पड़ी हुई है। आपकी कौन सी ऐसी मशीन है जो ठीक है? भाजपा और केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी मशीन है जो सही रूप से काम कर रही है? तो किसानों से पूछो, जवानों से पूछो, कितने मुश्किलों से उनकी जिंदगी बीत रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सीनियर नेता थे भाजपा के, प्रधानमंत्री थे, मैं नमन करता हूं। और उनका कहना था कश्मीरियत इंसानियत जमहूरियत। कश्मीरियत तभी समझ सकते हो जब आप इंसानियत और जमहूरियत में विश्वास रखते हो। चुनाव आपने करवाने नहीं है और असंवैधानिक तरीके से आपने जो यहां विधानसभा भंग की थी, आपकी फैक्स मशीन खराब हो गई तो अभी तक खराब पड़ी हुई है। आपकी कौन सी ऐसी मशीन है जो ठीक है? भाजपा और केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी मशीन है जो सही रूप से काम कर रही है? आज मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता के आधार पर ये सवाल नहीं कर रहा, एक आम जम्मू कश्मीर के नागरिक के हैसियत सवाल कर रहा हूं कि कब तक ऐसा चलेगा? कब तक यहां पर लोग जो हैं जिल्लत की जिंदगी जीते रहेंगे? सड़कों पर, हड़तालों पर, रहबर एक खेल के कल देखे आपने जो प्रोटेस्ट चल रही थी, किस प्रकार से उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, औरतों को लाठियों से मारा गया। क्या ये जम्मू कश्मीर भाजपा देना चाहती थी? इसके लिए उन्होंने डोगरों को बरगलाकर यहां पर कई सपने दिखाए थे। और शायद आप लोगों को पता होगा, 2 दिन पहले केंद्र सरकार एक कमेटी बनाती है, एमओएस होम यूनियन, होम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर होम यूनियन, वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो लद्दाख के लैंड और जॉब्स जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। जितने भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उसके पार्ट मेंबर्स हैं, उसके एलजी साहब उसके मेंबर्स हैं। क्या जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, उनके लिए लैंड और जॉब जरूरी नहीं है? क्या उनकी प्रोटेक्शन जरूरी नहीं है? कब तक ऐसी भेदभाव परेशानी जम्मू के लोग देखते रहेंगे, चलती रहेंगी? क्या इसका जवाब भाजपा के पास है? मैं आप लोगों के माध्यम से
भाजपा हाईकमान से सवाल करता हूं कि कौन सा जम्मू कश्मीर आप लोगों ने बना दिया हुआ है, आप क्यों यहां पर चुनाव नहीं करवा रहे हैं? डिलिमिटेशन अपनी मर्जी से करवाते हैं आप, हर चीज अपनी मर्जी से करवाते हैं, उसके बाद भी आप लोग डर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं नहीं पहले पंचायत के चुनाव करवाएंगे फिर विधानसभा चुनाव करवाएंगे, तो ऐसा क्या डर आपको सता रहा है कि जो आप चुनाव से दूर भाग रहे हैं? क्यों आप डर रहे हैं? मैं यहां से इस मन से आपको चुनौती देता हूं कि भाजपा को इस बार हम लखनपुर के पार छोड़ के आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जम्मू का आम नागरिक कह रहा है।